दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इकराम, देखिए अली असगर नामी एक शख्स ने मुझे फोन किया और उसने अपना नाम अली असगर बताया। बाद में तहकीक से साबित हुआ और लोगों से पता लगा कि ये असगरी बेगम है जो मर्दों की आवाज निकाल करके बात करती है। बहरहाल मैंने उससे बात की और उसको कुछ सुनाना चाहा, समझाना चाहा। वो एक ही जुमले को रखने लगी कि नहीं, मैं तो सुनूंगा ही नहीं, मैं तो सुनूंगा ही नहीं, मैं तो सुनूंगा ही नहीं, क्यों सुनूं, इस तरह की बात करने लगा। तो मैंने कहा, जब सुनना ही नहीं चाहते तो बात करने से क्या फायदा, आदमी सुनेगा ही नहीं तो बात करने से क्या फायदा। तो मैंने फोन बंद कर दिया और मैंने कहा आइंदा आप फोन ना लगाना। उसके बाद फोन नहीं लगाना चाहिए था, सही मानों में तो अगर अकलमंद आदमी होता तो फोन नहीं लगाता कोई भी आदमी, लेकिन चूंकि बेवकूफ है तो रात में फिर उसके किसी चेले ने फोन लगाया और कुछ गालियां मुझे दी। माज़ल्ला, मैंने उसका भी जवाब में फोन काट दिया। उसके बाद फिर उसने वही असगरी बेगम ने किसी के फोन से मुझे फोन लगाया और फोन लगा करके फिर मुझसे बात करने की कोशिश करी। तो मैंने उसको कहा कि पर्देदार औरतों को घर में रहना चाहिए, बेहयाओं की तरह नहीं घूमना चाहिए। तब भी वो नहीं मानी, मैंने फिर फोन काट दिया। फिर उसने फोन लगाई दोबारा, तो फिर उसका इलाज वैसे ही किया गया जैसा कि करने का हुक्म था और वैसे मैंने उसका इलाज कर दिया। मेरा आप पूरी वीडियो को समाप्त फरमाएं, पहले उसकी वो वीडियो देख लें और उसके बाद पूरी वीडियो को समाप्त करें। साहब बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हैं? मैं हाफिज अली असगर बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ मैं बोल रहा था कि आप बहुत तो वीडियो डालते हैं, चैनल चलाते हैं और दिखाओ इत्तेफाक करते हैं, तो मैं एक दावा पेश करूंगा। मेरे दावा बात करिए आप। सुनिए सुनिए सुनिए, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने, हेलो, हाँ बोले, मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने चैलेंज मुनाजरा दिया है इम्तियाज पलामवी साहब को और देवबंद के जितने भी उलमा हैं उन सबको, ठीक है, जिसके जवाब के अंदर मुफ्ती इम्तियाज पलामवी साहब को ये कहना चाहिए था कि चैलेंज मुनाजरा कबूल है या ना कबूल है, दोनों बातों में से एक बात करनी चाहिए थी। कबूल किया उन्होंने, कबूल है। सुनिए तो सही यार, सुन तो लीजिए। उन्होंने कबूल इस तरह किया जो कि हमने अपने वीडियो में बताया कि कबूल नहीं किया उन्होंने, भाग गया वो। सुनिए तो, बात तो सुनिए, बात से नजर आ रहे हैं आप, तो बात करेंगे ना उनसे, बात कर लेंगे। बात तो सुनिए, तीन आदमी का फोन आ गया आपका, बात तो सुनिए, आपके तीन आदमी का फोन आ गया लेकिन कोई सही गुप्तों को नहीं, इसमें सिर्फ गाड़ियां दे रहा है। अरे बात तो सुनो ना असल में इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था मैं क्योंकि आप बात सुनते नहीं है। तो क्यों सुनो पूरी बात तो सुन ले, जिसके तालु से नहीं कोई सुनने का नहीं। सर सुनिए सुनिए, नहीं सुनने का, फोन लगाने की बंद फोन, क्योंकि जब आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर फायदा क्या है। अरे भाई अली असगर से बात करनी है, नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? इतनी हवा को खराब हो रही है अभी तुम्हारी। देखो ऐसा है कि बिला वजह आप अगर मुझे परेशान करेंगे, आप आपका कॉल अगर इस तरह से आता रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। मेरे पास वक्त इतना रहता नहीं है, मैं बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ, ठीक है। अच्छा तो फिर इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप क्यों भोगते हैं इतना, कमरे में बैठ करके दरवाजा बंद करके तने तनहा होकर के। सुनिए अदब से बात करिए, बेढंगापन ना करें, अदब से बात करें, ठीक है। अच्छा वो अदब है जो आप भोगते हैं, आप काबिरी ने दारुलूम देवबंद पर। सुनिए तो अदब से बात करिए, इसलिए कि मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके उलमा के नंबर में जो है तो दूसरे लोगों को दे दूं फिर वो परेशान हो, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह के आपके बड़े उलमा परेशान हो जाएं?
देखिए इम्तियाज पालमवी साहब हमारे उलमा को बुरा बोल रहे हैं, हमारे ताल्लुक से गलत बातें लोगों पर फैला रहे हैं। नहीं जवाब इम्तियाज पालमवी साहब को अगर कोई परेशानी है तो वो हमसे बात करे। आप बीच में कौन होते हैं बोलने वाले, आपका नाम क्या है? अच्छा अरे मेरा जो भी नाम हो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप मेरी बात सुने। हाँ, मैं भी तो आपसे ये बात कह सकता हूँ कि आप बजाय इसके के कमरा बंद करके हिजड़ों की तरह बैठ के जो है भोंक रहे हैं हमारे अकाबरीन जो बात करनी है भुगना ना लगा दिया नंबर डालिए नंबर डलवाए वक्त करो सुनिए तो ये बात इम्तियाज को भी कहिए कि हिजड़ों की तरह चार बाई चार के कमरे में बैठ करके उलमाए अहले सुन्नत असगर क्या चीज है जिससे बात की जाए उड़ा देगा अली असगर क्या होता है बात करके देखो अभी गोबर गणेश क्या कर देखो मैं बड़े अपने आप पे ये बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। हाँ तुमसे ये कह रहा हूँ कि अब अगर तुम्हारा कॉल आया मेरे पास आज अली अकबर ने कॉल करी है तुम्हारे बड़े उलमा का नंबर ऊपर करूंगा आगे लोगों को यूट्यूब पर डाल दूंगा जो करना है करना जो करना है मतलब आप मेरी बात सुनो दोबारा आज अली असगर का जैसी भी नहीं करनी है उस जाहिल से जाहिला डर है तुम्हें उसका उससे मैंने कहा बहुत साल पहले खौफ है तहलका मचा दिया पूरी बरेलवियत में उसने अरे वो तो बेवकूफ है बरेलवियत और शहजादे के इरादे को कितना छोटा आदमी लगता है मैं अली असगर को कॉल कर रहा हूँ अरे क्यों बोल रहा है नहीं बोलो खामोश रहो हाँ खामोश रहे चुपचाप रहे मेरी बात सुनो ना क्यों अबे चुप भाई मेरी बात सुनो चुप चुप बिल्कुल चुप अरे मैं मुफ्ती उमर नहीं मैं मुफ्ती उमर नहीं हूँ अरे खामोश चलिए चुप चल चुप चुप एक बार अहमद रजा की रूह सवाल सुनी क्या नहीं नहीं बोलना नहीं बिल्कुल खामोश रहे हाँ तो मैं क्या बोलता हूँ अबे क्या बोल रहे बोल क्यों रहे चुप मैं बोलता हूँ मेरा दावा जो बनाता है अबे क्यों बोल रहे ऐसे बात तो कर ले अरे चुप दो डर लग रहा है बात नहीं करते हम गैर महरम औरतों से बात नहीं करना चाहिए वो खामोश रहे देखो डर देखो डर देखो अली असगर अली असगर जो है ये लड़की तुम्हारे लिए करना हमारी शरीयत में मना है गैर महरम औरतें अपने घरों का नाम असगर है औरत की तरह हर में जा चल इसका नाम अली और असगर है वो औरत है और नहीं मारा तुझे मारा नहीं और तेरे भाइयों ने तुझे मतलब आदत नहीं सिखाया बेहया नहीं की तो डर तो क्यों है डर तो डर तो क्यों है कितना बदतमीज आदमी है अश्विन बोल नहीं देखो चुप खामोश हो जा बात नहीं करता मैं औरतों को बात नहीं करना दी और ये बात बंद करो तुम्हारे नजदीक अली और असगर ये औरत है गरीब एक अच्छा एक काम करो मैं अगर असगरी बेगम हूँ उस पर लाना अगर नहीं हूँ उस पर लाना अमीन बोल नहीं असगरी बेगम है तू अमीन बोल और क्या अमीन अमीन बोल देना अमीन बोल जान की बोल रहा है अली असगर से गुजर गजा नहीं भाग रहा है खामोश भाग रहा है कसम अल्लाह की अश्वा का कसम अल्लाह की खामोशी से घर के अंदर रहकर बाहर मन निकल कर कर देगा कुछ कर देगा आजकल माहौल बहुत खराब है गंदा माहौल है खामोश हो जा बिल्कुल खामोश हो जा बेटी डर रहा है बेटा खामोश हो जा बेटी खामोश हो जा डर लग रहा है तेरे को डरूंगा मैं गैर मैं औरतों से बात नहीं करता मैं तूने बोली कि नहीं बोलूं और फिर बोल दीजिए कितना बोलेगी अस्पा की रजनी अरे बेहया मुफ्ती साहब डर रहा था अरे चुप हो जा कितनी बेशरम हो रही है बाहर निकाल दिया जमाने में तेरा मुजद्दी होता ना तेरा मुजद्दी कहती हूँ तेरा एक बात सुन
नहीं नहीं कुछ सुनना, मेरी बात सुनना, समझ लो अच्छी नहीं लग रही आवाज, चुप एक बार, एक बार सुनना। अरे चुप मैं अच्छी और अभी आ रही हूं। अरे बिल्कुल नजर आ रही हूं। जब तेरा मुजहद दे दे आवाज के सामने कुर्सी उठाता था वो दो शर्म दे गए रखा मेरे नजर की आवाज अगर आ जाए तो तुझे क्या फिर कुछ मतलब के तो अपने मुजहद से बड़ा मुस्तकी है तको तको बढ़ने वाला है तू बस गरीब आदमी सवाल का जवाब भी नहीं पा रहा है मैं नाम कमाना की औरत है तुझे लग रही हूँ डर रहा है हेलो 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 अशफाक रजा फोन काटे क्यों भागा तू असगरी फिर आ गई तू दूसरे नंबर से क्यों भागा अली असगर असगरी बेगम तू सुबह तीन लोगों के नंबर से फोन लगा चुकी किससे याद है तेरे माशाल्लाह मैं पूछ रहा हूँ असगरी इतना क्यों नहीं इतना डर क्यों बेगम तू सुबह तीन बार फोन लगा चुकी अली असगर असगरी बेगम इतना बड़ा बेवकूफ है ये असगरी बेगम अपने मुद्दा दी तो असगरी बेगम किसी बार करेगा ये असगरी बेगम बदतमीज है तू असगरी बेगम तेरे बिरल भी कितने को मदरसा में नहीं मानता इमामत करता हूँ असगरी बेगम तेरे कितने बड़े बेगम पढ़ते हैं तेरे गान में चला गया क्या गरीब आला आलम प्यार है नौजवानों।